ओके ठीक है. मैं एक आपको आज, अच्छा आप लोगों में से किसने करसन भाई पटेल का नाम सुना है? यस मैम, कौन है? मैम संदीप। हाँ, नहीं ठीक है, मैं संदीप नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कौन है ये जी करसन भाई पटेल. मैम, ये निर्मा श्रॉफ का फाउंडर है। बिल्कुल, आपको यस मालूम है इनकी मैम, यस स्टोरी? मैम, यस मैम। बताइए. मैम होता क्या, मार्केट में जब सर्फ बहुत महंगा मिल रहा होता है तो ये एक साइंटिस्ट होता है जो घर में केमिकल नहीं, रिएक्शन करके। साइंटिस्ट नहीं थे ये. अब मैं एक्सक्यूज मी बताती मैम, हूँ. यस मतलब कि ये केमिस्ट्री में ना, मतलब केमिस्ट्री का इसको बढ़िया नॉलेज होता है तो घर में ही एक्सपेरिमेंट का एक सर्फ बना देता है, मैम जॉब पर इसको ज्यादा साइकिल कब पे सेल बनाता करके, था साइकिल मैम? पे सेल करके बढ़िया पैसा कमाता है। संदीप कुछ बोल रहा है. संदीप तुम बताओ. ठीक है अरमान, तुम बताओ क्या बोल. आप लोग अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? मैम थोड़ा इधर कैमरा लाइट ऑन का प्रॉब्लम करो. है मैम। कोई बात नहीं संदीप, करो ऑन. बोलूं मैम, मैं हाँ जैसे कि करसन भाई पटेल जो थे, क्या कहते हैं ना, हम जब जॉब पर थे ना, जॉब कर रहे थे तो उनको देखा कि हाँ सर्फ का मतलब ये सर्फ बहुत महंगा मिलता है मार्केट में, तो ये एक साइंटिस्ट भी थे जो मतलब ये एक्सपेरिमेंट करते थे, केमिस्ट्रियोलॉजिस्ट थे। तो ये जब घर पे से अपने काम पर से आते थे तो घर पे ये रिसर्च करते थे इस पे, तो रिसर्च करते करते इनको ये पता लगा कि हाँ चलिए सर्फ हम बनाते हैं। और कुछ? यस, और आगे तो ध्यान में नहीं आ रहा मैम, ठीक है मैं बताती आगे हूँ. आगे मैं बताओ। इसीलिए वह स्टोरी लिया क्योंकि हाउ वी स्टार्टेड इन एन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट एंड हाउ वी एंड अप विद ऑर्गेनाइज्ड सेलिंग ऑफ निर्मा एंड द रेस्ट अदर बिजनेसेस ही स्टार्टेड. पर आप लोग पहले कैमरा ऑन कर लीजिए. किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है इस क्लास में सिवाय कौशल कुमार के छोड़ के. फिर मैं सबको एबसेंट ही मार्क करूंगी तो क्या फायदा होगा? किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है. ओके ठीक है, कोई बात नहीं. फिर मेरे लिए इस क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा प्रेजेंट है, मैं उसी को अटेंडेंस दूंगी. नैन्सी का ऑन भी है बट सी इज नॉट विजिबल. आई डोंट नो व्हाई. ठीक है. अच्छा अब मैं थोड़ा बताती हूँ. नॉर्मली आज हम पढ़ने वाले थे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में. मेरे ख्याल से हमने टाइप्स ऑफ स्टोर्स थोड़ा बचा हुआ है, उसको कवर अप कर लेंगे. पहले पहले यहीं से शुरू करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में. अनऑर्गेनाइज्ड जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका रहा है काम करने का, छोटे छोटे शॉप्स, किराना, कियोस्क, ठेला, रेहड़ी, पेवमेंट में बेचने वाले लोग, ठीक है ना, मोबाइल शॉप्स जो होते हैं जो घूमते फिरते रहते वाले, मोबाइल मतलब मूवमेंट वाले शॉप्स, ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है. एंड इनिशियली रिटेल इज इन कम्प्लीटली इन फॉर्म ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट. धीरे धीरे इसमें FDI का इन्वेस्टमेंट हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने लगे. वॉलमार्ट आया, अमेजोन आया, ठीक है, और भी बहुत तरह के इन्वेस्टमेंट्स जब गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो इसको धीरे धीरे ऑर्गेनाइज. तो पहले अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज को हम कैसे डिफ्रेंसिएट करेंगे? अनऑर्गेनाइज का मतलब होता है उसको कोई लीगल उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है, कोई स्टेटस स्टेटस उसको नहीं दिया जाता है, कोई वैधानिक उसका स्टेटस नहीं होता है उस बिजनेस का. वो किसी अथॉरिटी से ऑथेंटिकेट या फिर रेगुलेट नहीं होता है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं. इनके ऊपर है कोई अथॉरिटी जो इनको देखता होगा या इनको डील करना पड़ता होगा? नहीं. लेकिन आज जो रिटेल सेक्टर है वो RAI, ठीक है ना, रिटेलिंग एसोसिएशन के द्वारा इसको देखा जाता है. राय है जो जिसके अंदर सारे रिटेल बिजनेस, सारे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस इसके अंदर आते हैं, और उनको वो सारे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज फॉलो करना होता है जो RAI ने इनके लिए बनाया होता है. दिस इज नोन एज रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राइट. अब मैं जिसकी स्टोरी बताने वाली थी आपको, मैंने कहा था कि हाँ करशन भाई पटेल, बिल्कुल कुछ कुछ तो एग्जैक्टली आपने जो कहा ठीक है. इसमें मैं बता दूं कि ही वाज जस्ट स्टूडेंट ऑफ BSc, कोई साइंटिस्ट नहीं थे ये, ठीक है ना. इन्होंने इन्होंने BSc कर रखा था केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री इसके बाद इनको एक गवर्नमेंट, और ये बहुत पुअर फैमिली से थे, राइट. तो इनकी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई. उसके बाद गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद इन्होंने
ठीक है, काम चल रहा है। और लेकिन एक्चुअली गुजराती जो होते हैं ना, गुजराती इज अ नैक ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है। महिलाएं भी इनफैक्ट गुजरात की के घर में आप कितना भी देखिएगा, करोड़पति है, बहुत पैसे वाला, फिर भी वहां बीएसएम ही पे बिजनेस रहता है। बिल्कुल, और वहां पे ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता कि कौन सा काम छोटा है, कौन सा काम बड़ा है, कौन सा हम करें कौन सा हम नहीं करें। हर तरह के काम करने वाले लोग हर काम को इज्जत के नजरिए से देखते हैं, और हर एक बिजनेस को वो लोग रिस्पेक्ट देते हैं और करना पसंद करते हैं। वो एम्प्लॉय भी है, वो काम कर भी रहा है तो भी उसका साइड में कुछ ना कुछ बिजनेस होता है। ये हर गुजराती का स्टोरी है, राइट। तो इनको भी लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मैंने इतना पढ़ाई लिखाई किया है, वो तो जॉब में मिलेगा नहीं, तो इससे क्यों मैं इतना रेस्ट लूं। फिर ही स्टार्टेड अपने ही घर में, उन्होंने पीछे के एक रूम में, मकान में उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, और तरह तरह के केमिकल पे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया, राइट। जब वो ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो उनको एक उससे एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया जो वॉशिंग पाउडर बन गया, ठीक है ना, जिससे अच्छी सफाई होने लगी, दाग धब्बा धुलने लगा, राइट। तो उन्होंने वो वॉशिंग पाउडर बनाया, अच्छा बन तो गया, अकेले ही कर रहे थे वो, उसके बाद सवेरे चले जाते थे ऑफिस के, शाम में बचा हुआ समय काफी एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक वॉशिंग पाउडर बना जो ठीक है, जो क्वालिटी वाइज अच्छा था, और जिसको बनाने में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने नहीं किया था, यानी कि उसका जो कॉस्ट भी था वो बहुत सस्ता था उस समय के कंपेरेटिवली अदर वॉशिंग पाउडर से। तो उन्होंने क्या किया, अब इसको खुद ही बेचना भी शुरू किया। तो इन्होंने उस बनाए गए वॉशिंग पाउडर को पैकिंग करना शुरू किया, और जब वो अपना ऑफिस जाते थे रास्ते में साइकिल से अपना सामान लेते हुए जाते थे, और घर घर के लोगों को कन्विंस करते थे, और अपना वॉशिंग पाउडर बेचते हुए जाते थे, ठीक है ना, पहले छोटे छोटे सैंपल के रूप में कि आप यूज करके देखिए, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो हम पैसा दे देंगे वापस, ये इनका स्टेटमेंट हुआ करता था। तो वो उस एरिया में बेचते चले जाते थे, फिर आप आते थे, फिर पैकिंग करते थे, फिर बनाते थे, फिर पैकिंग करते थे, फिर नेक्स्ट डे जितना बना उतना लेकर के वो निकल जाते थे। कुछ दिन तक ऐसा ही होने लगा, तो रिस्पांस अच्छा रहा, ठीक है। और सबसे जो एडवांटेज था इनके प्रोडक्ट का, वो था कि वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव था, क्वालिटी वाइज तो अच्छा था ही। जहाँ पे 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए के ऊपर का वॉशिंग पाउडर जिस समय में मिल रहा था, उस समय उन्होंने 3 रुपए वॉशिंग पाउडर देना शुरू किया था, राइट। इतना ज्यादा डिफरेंस था कि लोगों ने हाथों हाथ इसको लेना शुरू किया, एंड दैट वॉशिंग पाउडर बिकम पॉपुलर, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बिजनेस थोड़ा और ग्रोथ किया, और अब उनको लगा कि मैं ये अकेला नहीं संभाल पाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसका इन्होंने नाम निर्मा रखा, राइट, निर्मा इनकी बेटी का नाम था, उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे इस वॉशिंग पाउडर का नाम रखा निर्मा, क्योंकि वो थोड़ा इसमें इमोशनल स्टोरी भी है कि उनकी बेटी के एक्सीडेंट में मर गई थी, वो चाह रहे थे कि मेरी बेटी कुछ बहुत अच्छा नाम करे और पूरे दुनिया के लोग उसको जाने, तो वो उसमें गुजर गई थी, तो उन्होंने थोड़ा सा अपनी बेटी के याद में इस वॉशिंग पाउडर का नाम निर्मा रखा, ताकि वो नाम अभी भी पॉपुलर रहे और सब घर में इस नाम को जाना जाए, राइट। तो उन्होंने इसका नाम निर्मा रखा, और वो जो फोटो है ना, वो एक्चुअली उनकी बेटी का ही फोटो है निर्मा वॉशिंग पाउडर के ऊपर, जो आप लोग वो देखते हैं और फोटो देखते हैं, वो उन्होंने अपनी बेटी के रूप में ही उसको दिया था, और उसी का लोगो उसमें यूज किया है, राइट। तो फिर अब क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने सोचा, जॉब छोड़ दी उन्होंने, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, जबकि जानते हैं हम लोग की गवर्नमेंट जॉब का कितना इंपॉर्टेंस होता है। ही लेफ्ट हिज जॉब एंड देन ही स्टार्टेड एक्सपैंडिंग हिज बिजनेस। इन्होंने पूरा टीम को रिक्रूट किया, टीम को लाए वो इस बिजनेस के लिए, और सब लोग अपना काम करने लगे, प्रोडक्शन बढ़ गया, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा शुरू कर दिया, सारे लोग स्टेबलाइज गवर्नमेंट के जो शॉप्स होते थे उसमें इनके प्रोडक्ट बिकने लगे, और बाकी सारे शॉपकीपर्स भी लेके जाते थे। ये जो प्रोडक्ट था वो एक तरह से जितने भी फॉरेन कंपनीज थे, ब्रांड्स थे, जो एक स्टेबलिश ब्रांड थे, उनको अच्छा तगड़ा कॉम्पिटिशन देने लगा, ठीक है ना, ये निर्मा ब्रांड, और बाकी सारे लोगों को सांप सूंघने लगा कि ये छोटा मोटा ब्रांड आकर के कैसे हमको इतना टफ कॉम्पिटिशन दे रहा है। तो एक स्ट्रेटेजी ये हुआ, शॉपकीपर्स ने ऐसे किया कि इनसे सारे प्रोडक्ट भर भर के ले जाते थे, जितना भी इनका सामान रहता था इनके स्टोर में, सब सब ऑर्डर कर करके ज्यादा ज्यादा सामान ले जाते थे, लेकिन शेल्फ पे एक भी नहीं रखते थे, बेचते नहीं थे, ठीक है। तो लोग जाते थे लेने के लिए, लेकिन मिलता नहीं था, बोलते थे नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, और बेचते, और नहीं सॉरी,
वो ले जाते थे और क्या करते थे, पैसा नहीं देते थे। अब चूंकि उन्होंने टीम बहुत बढ़ा लिया था और प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे होने लगा था, तो इनको पैसे भी चाहिए ताकि वो फिर से इन्वेस्ट कर सके, फिर से मटेरियल खरीद सके और प्रोडक्ट को बना सके। लेकिन पैसा कोई देता नहीं था, सब बोलता था जब बिकेगा माल तब हम पैसा देंगे, अभी तो हम ऐसे ही लेके जा रहे हैं पब्लिसिटी के लिए। तो इन्होंने ऐसा होता रहा, बाद में इनको लगा कि मुझे इससे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है इस तरीके से। देन ही डिड समथिंग जो इनके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के रूप में काम किया। ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहा, इन्होंने क्या किया, सारे दुकान से अपना माल वापस ले लिया, जितने भी दुकान में इन्होंने दिया था अपना सामान सब वापस ले आए और बोले कि हम किसी को अपना सामान नहीं देंगे, हम एक ही मेरा शर्त है, हम अब उसी शर्त पे देंगे। वो शर्त क्या है वो बाद में दिखाएंगे। इन्होंने सारा सामान मार्केट से विड्रॉ कर लिया, वापस लिया और अपने वेयर हाउस में उसको रख लिया। एंड देन ही स्टार्टेड, टीवी उस समय बहुत लोकप्रिय होता था और एक ही चैनल था उस समय, दूरदर्शन चैनल। इन्होंने क्या, दूरदर्शन पे एडवर्टाइज किया अपने प्रोडक्ट का। ठीक है, और वो प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजमेंट बना वो इतना फेमस हुआ, इतना बार चलाया गया और इतना फेमस हुआ कि हर घर में, अभी भी हम लोग को याद होगा दूध सी सफेदी निर्मा से आई, राइट, कितना पॉपुलर था वो। या फिर अभी जो नया है उसमें हेमा रेखा जया और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा, ये इतना पॉपुलर हुआ ये इनका जो जिंगल था, इनका जो एडवर्टाइजमेंट था, कि लोगों ने ये देखने के बाद, इस प्रोडक्ट को देखने के बाद सब लोग जाते थे दुकान में मांगने के लिए कि निर्मा चाहिए, निर्मा वॉशिंग पाउडर चाहिए। लेकिन निर्मा वॉशिंग पाउडर तो दुकान पे था ही नहीं क्योंकि उन्होंने सब जगह से वापस ले आए थे। जब बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हुआ तो सारे दुकानदार गए उनसे मिलने के लिए उनके घर पे और बोले कि ये पैसा लीजिए और हमें ये प्रोडक्ट दीजिए क्योंकि इस प्रोडक्ट का बहुत डिमांड है मार्केट में, राइट। सो ही क्रिएटेड डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट, राइट। पहले जो ये मुफ्त में दे देते दे थे, उधार पे दे देते दे थे और उनको पैसा नहीं मिलता था, जिस कारण से इनका प्रोडक्शन काफी स्लो हो गया था और इनको काफी नुकसान होने लगा था। उन्होंने उसको कवर अप करने के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाया कि हम पहले डिमांड क्रिएट करेंगे और जब पॉपुलर हो जाएगा तब हम अपना सामान बेचना शुरू करेंगे। तो फिर इन्होंने देना शुरू किया और इस तरीके से ये एक एस्टैब्लिश ब्रांड होता चला गया। यानी कैसे अनऑर्गेनाइज था, वन मैन शो था, एक आदमी ने प्रोडक्शन भी किया, पैकिंग भी किया, डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, धीरे 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 ब्रांडिंग हुआ उसका, धीरे धीरे उनका टीम बना एंड देन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस टू ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में वो आगे। इतना ही नहीं, उसके बाद उनके बहुत सारे रिसर्च लैब्स हुए और निर्मा का एजुकेशन में भी देखोगे तो निर्मा का अपना इंडस्ट्री है, ठीक है, अपना यूनिवर्सिटी है, राइट, निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से हम उसको जानते हैं, राइट। हाँ, तो ये इंस्टीट्यूट है, इनका अपना यूनिवर्सिटी है, इनके अपने रिसर्च लैब्स हैं और इसके बाद इन्होंने अपने प्रोडक्ट को भी डाइवर्सिफाई शुरू किया। जो शुरू हुआ था सिर्फ वॉशिंग पाउडर से, वो उसके बाद आपको सॉल्ट भी मिलता था, निर्मा का सॉल्ट, निर्मा कॉस्मेटिक्स में भी आया, सोडा में भी आया और फिर अलग अलग तरह के साबुन में भी आया। इन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना रेंज को बढ़ाया और डाइवर्सिफाई किया, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी इनके अंदर इनोवेशन करते चले, हाँ, बिकते चले गए। और उसके बाद ये इंडियन मार्केट में नहीं वर्ल्ड के मार्केट में भी फेमस होता चला गया धीरे धीरे। एंड जो इनका मेजर एडवांटेज है, लो कॉस्ट पे बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना, यानी इनका मूल मंत्र था कि एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट जितना हो सकेगा उस पे हम क्या करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अवेलेबल कराना, लो क्लास फैमिली के लिए अवेलेबल कराना मेन इनका मोटो था, पर्पस था इस बिजनेस का। तो दिस इज वी हैव सीन दैट कैसे ये अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड होता चला गया ये बिजनेस, राइट। अब देखो, सबसे पहले मैंने कहा था कि जब रिटेल स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टेड एज एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, जहां पे कोई रूल्स रेगुलेशंस, कोई लीगल स्टेटस नहीं था उस बिजनेस का, उसको हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। लेकिन आज ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्यों, क्या अनऑर्गेनाइज होता है और क्या ऑर्गेनाइज होता है। एक सेकेंड, ओके। तो सबसे पहले क्या था कि अभी रिसेंटली ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ गया है और ये बहुत गेन मार्केट शेयर और बहुत कैपिटल को गेन करने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें एफडीआई का
इन्वेस्टमेंट हुआ है, बाहर से भी लोगों ने रिटेल में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, बिग कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो वैरायटी ऑफ ब्रांडेड आपको अंडर वन रूफ या सर्विसेज आपको एक जगह मिल जाता है, और इसका कॉन्सेप्ट ये भी है कि आप शॉपिंग के साथ साथ एक आपको अच्छा मेमोरेबल शॉपिंग एक्सपीरियंस भी हो, है ना, तो अच्छा एम्बियंस रहता है, अच्छा डेकोरेशन होता है। देखोगे हर समय में जाओगे तो उस मार्केट का, जैसे अभी क्रिसमस के टाइम में चल जाओ तो आपको बहुत बड़े बड़े क्रिसमस ट्रीज दिखते होंगे, डेकोरेशन उस तरह का दिखता होगा। न्यू ईयर में अलग, आप इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे के टाइम में चले जाए तो पूरा उनका डेकोर चेंज हो जाता है, जस्ट टू गिव यू अ बेटर एम्बियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ योर शॉपिंग। और एक्ट कौन कौन से एप्लीकेबल, तो सेल्स टैक्स एप्लीकेबल होता है इसमें, रजिस्टर्ड रिटेलर जो होते हैं उनको रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है, रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है हर एक ऑर्गेनाइज रिटेलर्स को, राइट। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर के बाद, जिसमें MIS, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कस्टमर रिलेशनशिप, जिसमें हम बोलते हैं ना कि पोस्ट सेल सर्विसेज, ठीक है, जिसमें आपको कस्टमर नंबर दिया जाता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने कंप्लेन दे सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का पार्ट है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कैसे उनको आप अपने परमानेंट कस्टमर में कन्वर्ट करेंगे अगर वन टाइम परचेजर है तो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यानी क्या चेन ऑफ सप्लाई रहेगा, कितना बड़ा चेन ऑफ सप्लाई रहेगा, या MIS यानी कहाँ पे क्या डिमांड है और उसको कैसे हम क्रिएट करेंगे। ये सारे चीजें आई जब ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग आया। और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का एक और बेनिफिट है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट हुआ इससे, ठीक है, आपको सर्विसेज तो मिलने लगे, आपको सुविधाएं तो मिलने लगे, आपके डोर पर आकर के आपको डिलीवरी मिल जाता है सामान का, जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का एक मेजर वो है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन आपके एक टिप पे आपके सारे ऑर्डर्स आपके पास आ जाते हैं। लेकिन इसका एक और एडवांटेज है कि इसके फलस्वरूप हुआ क्या, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट हुआ, क्योंकि मॉल्स हैं, जो स्टोर्स के मैनेजमेंट के लिए लोग चाहिए, जो कस्टमर को हैंडल करने के लिए चाहिए, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए लोग चाहिए, जो पोस्ट परचेजिंग कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए लोग चाहिए, इस तरह से बहुत सारा रिक्रूटमेंट रिटेल इंडस्ट्री में क्रिएट हुआ और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, जिसका कोई लीगल स्टेटस नहीं, जिस पर कोई एक्ट या कोई लीगल प्रोविजंस इंप्लीमेंट नहीं होता है, उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग बोलते हैं। जिसके एग्जांपल्स आपको पता है, जैसे कि जो भी पेवमेंट पे बेचने वाला, मोबाइल सर्विसेज या फिर किराना शॉप्स, ऐसे जो वेंडर्स होते हैं, इसको हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रहते हैं। इसमें भी एम्प्लॉयमेंट था लेकिन बहुत कम, जैसे एक किराना शॉप पे आप देखोगे एक से दो हेल्पर रहता है, राइट, या फिर सेल्समैन एकाद है जो, या फिर एकाद है जो तगादा देने के लिए या पहुंचाने के लिए सामान वो रखते थे, तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ भी था लेकिन उतना स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं था, उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं था जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में हुआ। इसीलिए ट्रेडिशनली जो फॉर्म था रिटेल का वो अनऑर्गेनाइज था, और अभी जो फॉर्म है रिटेल का वो क्या है, ऑर्गेनाइज, हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज रिटेलिंग का फॉर्मेट है, ठीक है। इतना तो हो गया। थोड़ा सा हम लोग लास्ट क्लास में, मैं जब आप लोगों को बता रही थी कि रिटेलिंग के टाइप में, कि एक था स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, एक बार बताना कि स्टोर बेस्ड रिटेलिंग में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था। ये कियोस्क, शॉपिंग मॉल, हाइपर स्टोर, ये सब हो चुका था क्या मेरे ख्याल से? यस मैम, ठीक है। यानी कि हमने स्टोर बेस्ड रिटेलिंग हम लोगों ने पूरा कवर कर दिया। डिस्काउंट स्टोर्स भी मैंने बताया था, जैसे ब्रांड फैक्ट्री या फिर फैक्ट्री आउटलेट्स जो होते हैं, जहाँ पे वगैरह बता दी थी मैम, बता दिए थे फैक्ट्री आउटलेट्स जहाँ पे डिस्काउंटेड रेट मिलता है। मैंने बताया था कि मेहरोली में ऐसे बहुत सारे आपको शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पे 2412 पूरा 12 महीना आपको डिस्काउंट रेट पे सामान मिल जाता है, और जो डिफेक्ट्स होते हैं या डैमेजेज होते हैं वो भी इतना डिटेक्टेबल नहीं होता है, फिर भी वो थोड़ा सा भी डैमेज होता है तो उसको क्वालिटी कंट्रोल जो होता है रिजेक्ट कर देता है, इसीलिए उसको फैक्ट्री शॉप्स में, आउटलेट्स में बेच दिया जाता है थोड़े कम दामों पे, राइट। तो इसको डिस्काउंट स्टोर्स हम लोग बोलते हैं। अब नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, नाम से ही आपको पता है कि ऐसे स्टोर रिटेलिंग का कोई अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहता होगा, कोई ऐसा स्टोर नहीं रहता होगा जिसमें डायरेक्ट सेलिंग है। अब ये डायरेक्ट सेलिंग भी दो तीन तरह के होते हैं। एक तो आपको पता है डोर टू डोर सेलिंग, राइट,
ठीक है। और भी टाइप है डोर टू डोर सेलिंग के अलावा, एक पार्टी प्लान होता है, जैसे कि नॉर्मली क्या करता है, देखो तुम लोग देखते होगे किसी मोहल्ले में या किसी अपार्टमेंट में या जहाँ पे लोग कॉलोनी टाइप का लोग रहते हैं, वहां पे क्या करते हैं, मान लो कोई पेंटर है या फिर कोई एक छोटा मोटा बिजनेस घर से चलाना चाहता है, तो वो क्या करते हैं कहीं एक जगह से, सूरत से या कोलकाता से, जहां से थोड़ा सस्ता उनको साड़ी या फिर सस्ता क्लोथ्स या कुछ भी जिस तरह का भी वो बिजनेस करते हैं वो मिल जाता है, वो ले आते हैं और अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, अपने एक्वेंटेंसेस को, ऐसा मैंने देखा है। मेरी एक फ्रेंड है जो मिथिला पेंटिंग करती है, मधुबनी पेंटिंग अच्छा करती है, राइट। अब उसके पास कोई एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट नहीं है अपने मधुबनी पेंटिंग को सेल करने का, लेकिन उसको करना है, ठीक है ना। शी वांटेड टू प्रमोट दैट पर्टिकुलर स्किल और वो उसको करना चाहती है और वो उसके इनकम का एक सोर्स भी हो सकता है, तो उसने ठीक है इंस्टाग्राम पे है, ऑनलाइन है, वो सब कुछ है, लेकिन इसके अलावा व्हाट सी यूज टू डू कि वो जब भी अपने किसी दूसरे शहर में जाती है या अपने जहां पर वो रहती है या जहां पर वो किसी दूसरे शहर में जाती है, जो उनके वहां पे पहले से फ्रेंड्स है उनके वो कुछ लेके जाती है, जितना भी उनका बना होता है, रेडी सैंपल्स होता है, उसके साथ वो जाती है। उनके फ्रेंड्स उनके लिए क्या करते हैं कि अपने सारे मोहल्ले वाले को जो भी इंटरेस्टेड है या जो भी उनके क्लोज नियर एंड डियर हैं उन सबको फोन पर इनवाइट करती है, ठीक है। इनवाइट करने का मतलब ठीक है सिंपल चाय कॉफी पे इनवाइट किया, और मेजर होता है एग्जिबिट करना, क्या क्या हम लेकर आए, क्या क्या सामान हमारे पास है वो हम दिखाते हैं, शोकेस करते हैं, ठीक है। किसी को कुछ पसंद आ गया, हो सकता है सब कुछ नहीं बिके लेकिन किसी को कुछ पसंद आ जाए तो क्या करते हैं उस समय वो सामान उसी समय खरीद लेते हैं, या फिर उनको अगर अधिक चाहिए होता तो वो ऑर्डर दे देते हैं कि हमारे लिए 2-3 और बना दीजिएगा, हम 1-1.5 महीने में आपसे, हमको ये चाहिए। तो ये एक पार्टी प्लान होता है जो छोटे ग्रुप में कम्युनिटी लेवल पे कह सकते हो कि एक स्मॉल स्केल रिटेल के टाइप में चलता है, जहां पे आपको बुलाते हैं अपने acquaintances को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने नियर एंड डियर वन को, और उनको शोकेस करते हैं जो भी प्रोडक्ट है, और अगर उनको पसंद आता है तो वो वहीं ले लेते हैं या हमें ऑर्डर्स मिल जाता है कि हम ये काम करेंगे। ये तो पार्टी प्लान हो गया डायरेक्ट सेलिंग का। एक होता है मल्टी लेवल नेटवर्क। मल्टी लेवल नेटवर्क तुम लोगों ने बहुत सुना होगा, जिसमें बोलते हैं चैनल डिस्ट्रीब्यूशन या नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक आदमी होता है और वो अपने अंदर दो, तुम लोगों ने ऐसा देखा ना, एक आदमी अपने अंदर 2 लोगों को बनाता है या 3 लोगों को बनाता है एजेंट, फिर वो 3 किसी तीसरे को बनाते हैं, जैसे सहारा इंडिया में था, फाइनेंशियल सेक्टर है वो, लेकिन ऐसे देखा था एजेंसी एजेंट कॉन्सेप्ट, हर आदमी अपने नीचे के कुछ कमीशन के लिए जो काम करता है, एमवे है, ओरिफ्लेम है, टपरवेयर है, ये सब इसी तरह के बिजनेस मॉडल को फॉलो करते हैं, और मोस्टली जो कॉस्मेटिक्स है या फिर हाउसवेयर्स है वो इस तरीके के थीम पे रन होता है, या फिर फाइनेंशियल सेक्टर्स भी कुछ है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में भी डील करने वाले, जो क्या करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ नेटवर्क होता है इनका, और इस नेटवर्क से क्या होता है कि एक आदमी से 2 आदमी तक पहुंचा, 2 से अगले 2 तक पहुंचा, यानी 4 तक पहुंचा, 4 से 8, और इस तरह से डबल होते जाता है ये चेन, और जितना बड़ा ये चेन होगा, जितना बड़ा ये नेटवर्क होगा, उतना प्रोडक्ट क्या होगा एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से तीसरी जगह तक पहुंचेगा। इसको बोलते हैं मल्टी लेवल नेटवर्किंग। सुना है आप लोगों ने इस तरह के मार्केटिंग के बारे में? यस मैम, आपको मालूम है ना, ठीक है, बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, और मैंने कहा था कॉस्मेटिक्स में, हाउसवेयर थिंग्स में, और फिनेंशियल बहुत सारे एफएमसीजी में, यस, और फिनेंशियल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इस नेटवर्क को यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लेवल नेटवर्क। ये हो गया एक दूसरा तरीका डायरेक्ट सेलिंग का या फिर नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग का। और अब जो पॉपुलर है डोर टू डोर, जहाँ पे सेल्समैन डोर टू डोर जाते हैं, माइंड इट, जो मैंने करशन पटेल की आपको स्टोरी बताई, वो भी शुरू शुरू में डोर टू डोर जा करके अपने सेल्फ मेड प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम करते थे, राइट। ये डोर टू डोर सेलिंग मतलब जब आपका कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है तो आप कुछ सेल्समैन को ये रिस्पांसिबिलिटी देते हैं कि आप पूरे इस इलाके के जितने भी घर है उसमें जाइए, ठीक है 10 जगह जाते हैं उसमें 4 जगह मना कर दिया जाता है, हमारे पास टाइम नहीं है आप चले जाइए, लेकिन 2 जगह 4 जगह जहां देखा जाता है वहां पे क्या होता है, वहां पे एटलीस्ट आपकी बात सुनी जाती है, वो हो या ना हो वो दूसरी बात है। और एक ये
इस तरीके का जो होता है ना वो स्टूडेंट के इंटर्नशिप का भी कभी कभी पार्ट होता है, जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, जो सेलिंग के लिए स्टूडेंट होते हैं उनका ये एक उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी ये होता है कि क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपके बात लोग सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, हाउ यू कंपेल अदर्स टू टू गिव यू टाइम, ठीक है ना, टू लिसन टू योर थिंग्स एंड जो भी आप उनको इंटरप्रेट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहते हैं, वो कैसे उसके बारे में सुनेंगे और आपको बताएंगे। तो ये डोर टू डोर सेलिंग का अप्रोच होता है जिसमें आपको आप इस सेल्समैन के कन्विंसिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसके तरीके पे डिपेंड करता है कि वो क्या स्ट्रेटजी यूज करेगी। नॉर्मली इस तरीके से क्या क्या बेचा जाता है, तो अगेन किचन वेयर आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, इमिटेशन ज्वेलरी जो होता है, जो कि जो बोलते ना कि जो ओरिजिनल ज्वेलरी का जो नकल होता है, इमिटेशन होता है, वो सारे ज्वेलरीज इस डोर टू डोर सेलिंग से, या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट जिसको आप चाहते हैं कि जिसका आप देखिए कि क्या है, जो उनके हाउस के जो लोग हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है, तो आप ऐसा करते हैं। यूरेका फोर्ब्स ने भी डोर टू डोर सेलिंग अप्रोच को अडॉप्ट किया था। यूरेका फोर्ब्स आपको मालूम है, जो वैक्यूम क्लीनर वगैरह बेचता है, मालूम है? नहीं पता, देखना इसको बाद में। यूरेका फोर्ब्स होता है जो ये एक तरह से क्लीनिंग, घर की सफाई के लिए यूज किया जाता है, वैक्यूम क्लीनर होता है आपके ऊपर से जा। तो पहले से क्यों वो डोर टू डोर सेलिंग को अडॉप्ट किया, ताकि वो घर जाके आपको प्रैक्टिकली करके दिखा सके कि ये कैसे काम आता है। और अब तो हमें पता है देर आर लॉट ऑफ थिंग जो आपके घर पे आपको सर्विसेज देते हैं। चलेंगे हम उस सर्विस पे। ये दोनों टाइप समझ में आ गया, एक था स्टोर बेस्ड, एक था नॉन स्टोर बेस्ड। नॉन स्टोर बेस्ड में तीन, पार्टी प्लान, मल्टी लेवल नेटवर्क एंड डोर टू डोर सेलिंग। अब इसमें एक और टाइप है, वो टाइप क्या है, वो टाइप है सर्विस का, सर्विस रिटेलिंग, ठीक है ना। सर्विसेज रिटेलिंग मतलब अब आपको फिजिकली नहीं, आपके घर पे जा करके, ठीक है ना, डायरेक्ट आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सर्विस रिटेलिंग। कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे सर्विस रिटेलिंग का क्लास में? Anybody can give me one example of service retailing, जहां पे कोई, जैसे service retailing हम बोल सकते हैं बैंक में, मैंने आपको बताया था कि बैंक को भी retail sector माना जाता है, क्योंकि वो एक एक कस्टमर को service provide करती है और एक एक कस्टमर को करती है, ठीक है, खुदरा बेचती है, एक एक सिंगल सिंगल प्रोडक्ट भी अपने एक कस्टमर को बेचती है, इसीलिए बैंक ऑल्सो कम्स अंडर रिटेल सर्विसेज। इंश्योरेंस आ जाता है, हॉस्पिटलिटी आ जाता है, लेकिन हम आपको पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा सर्विस है जो रिटेलिंग भी है और डायरेक्ट भी सर्विस आपको प्रोवाइड कराता है। एक एग्जाम्पल, जैसे हमने प्रोडक्ट का तो बता दिया, डायरेक्ट सेलिंग में आपको एग्जाम्पल्स दे दिए, चेन मार्केटिंग का एग्जाम्पल दे दिया, आप लोग कोई बता सकते हैं सर्विस रिटेलिंग का कोई एग्जाम्पल? बैंक इंश्योरेंस में। अच्छा, आप लोगों ने अर्बन क्लैप का नाम सुना है? यस मैम। क्या है वो? क्या है? मैम ई-कॉमर्स का सॉफ्टवेयर है। अर्बन क्लैप पहले किस चीज में डील करती थी? मैम अर्बन क्लैप मैम गाड़ी से डील सर्विस देती थी, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। एक्चुअली अब आप लोग देखते होंगे घर, वो बहुत तरह के का उसका काम है। अब क्या करती है वो, आपको जब से ये पैंडेमिक हो गया आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही आपको मेंटेनेंस का काम करती थी, रिपेयर का काम करती थी, आपके घर पे कुछ टूट गया है, कारपेंटर की जरूरत है, प्लम्बिंग का काम है, बिल्कुल प्लम्बिंग की जरूरत है, तो वो आपको प्रोवाइड कराती थी। इसी तरह अब ये क्या करती है, आपके ब्यूटी पार्लर का प्रॉब्लम सॉल्व करती है। इस पैंडेमिक में हुई, अपने नए आइडिया के साथ आया कि सिंस पैंडेमिक है और एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है, आप बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ना जाए, पब्लिक प्लेसेस पे ना जाए, तो अर्बन क्लैप क्या होता है, आप उसको ऑर्डर करें, वो घर पे आके आपका सारा काम कर देगी, राइट। ये सर्विस रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट हुआ और ये भी डायरेक्ट है, बिल्कुल आप सीधे आप बुलाते हैं और आपके पास सर्विसेज आ जाता है, आपके घर पे भेज दिया जाता है। समझ में आया? आप कहीं से भी टैक्सी बुक करा सकते हैं थ्रू ओला, उबर, जो भी है, रैपिडो है, ये सब क्या है, ये सब आपके ऑनलाइन सर्विस रिटेलिंग, और कोई इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होने की जरूरत नहीं है, कहीं पर इनका फिजिकली नहीं है, आप फोन पे सारा बुकिंग करते हैं और आपको मिल जाता है, राइट। तो ये दीज आर द अगेन द एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, लेकिन ये सर्विसेज में डील करता है, राइट। डिलीवरी हो जाएगा इसमें? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वो कुरियर पार्टनर्स है,
राइट, दे आर कूरियर पार्टनर्स. लेकिन वो क्या करते हैं, वो कहीं सामान को लेकर के कहीं पर पहुंचाते हैं, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन शॉपिंग के कूरियर पार्टनर्स हैं वो लोग. समझ में आया सर्विस रिटेलिंग? ये भी नॉन स्टोर बेस्ड का एग्जाम्पल है. एक तीसरा सर्विस रिटेलिंग बोल, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा डायरेक्ट, स्टोर बेस्ड, स्टोर बेस्ड के सारे एग्जाम्पल आपको बताए, कन्वीनियंस, सुपर मार्केट, हाइपर स्टोर, मॉल्स, कियोस्क और जो भी एग्जाम्पल थे उसके, ठीक है, डिस्काउंट, डिस्काउंटेड जो आउटलेट्स होते हैं उसके बारे में बताया, ब्रांडेड, अपना इंडिविजुअल ब्रांड स्टोर्स के बारे में बताया. उसके बाद हम लोगों ने नॉन स्टोर बेस्ड के बारे में देखा, और अब सर्विस रिटेलिंग भी हमको पता चला कि सर्विस रिटेलिंग किस तरह से की जाती है, और ये भी कैसे आपको डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आप तक डायरेक्ट पहुंचाया जाता है. ठीक है, सर्विस रिटेलिंग में आप एयरलाइंस भी बोल सकते हैं, इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं, बैंकिंग भी बोल सकते हैं, जितने ये सब है ये सर्विस रिटेलिंग के टाइप है. अब हमारा नेक्स्ट जो होगा वो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टोर लोकेशन. ठीक है, एक बहुत बड़ा, अगर स्टोर बेस्ड आपका रिटेल है, आपका बिजनेस है, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि आखिर कौन सा बेसिस होता है, आखिर किस बेसिस पे कोई भी बिजनेसमैन अपने स्टोर का लोकेशन तय करता हो. कुछ तो बेसिस होता होगा. चलिए अभी हम स्टोर लोकेशन के बारे में आपको नहीं बताएंगे, आप अपने मन से बताइए मुझे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते होंगे जिसको ध्यान में रखा जाता होगा बिफोर फाइनलाइजिंग एनी लोकेशन फॉर द स्टोर. ऐसा क्या क्या फैक्टर होता होगा जो स्टोर का लोकेशन फाइनलाइज करने से पहले बिजनेसमैन उसके बारे में सोचता होगा कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए जहां तक स्टोर को के लोकेशन को फाइनल करने से पहले. मैम कि बाजार में होना चाहिए, मैम बाजार कस्टमर चाहिए, ठीक है, यानी कि अधिक से अधिक कस्टमर वहां तक पहुंच सके, इसीलिए कस्टमर मैम टारगेट कस्टमर मिल सके. यस सर, टारगेट कस्टमर मिल सके. ये नहीं कि और एक दस वाला, और ये नहीं कि दस वाला जाके खोल ले और यहां पे कंपटीशन हो. मैम कंपटीशन हो, अच्छा, और कंपटीशन जहाँ पे होगा वहाँ पे प्रेफर करेगी लोग जाना या नहीं प्रेफर करेगी? बहुत कम करेगी मैम, नहीं करेगी ऑब्वियसली. अगर ऑप्शन हो ज्योग्राफिकल प्लेस, लेकिन ये ज्योग्राफिकल एरिया किस तरह से डिफाइन करेगी? मैम लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट कर सके हमारा, ठीक है. और कुछ क्या क्या फैक्टर होता होगा जिसको ध्यान में रखते होंगे स्टोर कीपर किसी स्टोर को फाइनलाइज करने से पहले, लोकेशन को फाइनलाइज करने से पहले? एक सही बताया आपने, उसका कस्टमर का ट्रैफिक, कस्टमर रीच. मैम कस्टमर रीच हो गया, सबने ये बोल दिया कि मतलब ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां कस्टमर आसानी से एक्सेस कर सके. और कोई पॉइंट जहां पे कंपटीशन कम हो? चलो ये भी मान लेते हैं. मैम ये सिटी में खुल सकता है मैम, अर्बन, अर्बन में खुलेगा तो फिर मैम चल नहीं पाएगा. क्यों नहीं चलेगा? इसकी सिटी बेस्ड होना चाहिए. नहीं ऐसा नहीं है. अर्बन का रूरल में नहीं चलेगा, अर्बन में मैम चलेगा, सॉरी. अच्छा ठीक है, चलो ऐसे सिटी बेस रहना चाहिए. ठीक है, ठीक है, चलो ये भी मान लेते हैं. और बताओ, मैं बताऊंगा एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर मतलब वहां का एम्बियंस अच्छा चाहिए. और क्या चीजें होनी चाहिए? ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा वहां पे होनी चाहिए. ऐसे दूरस्थ जगह पे हो गया जहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है या बहुत कम है, तो लोग कैसे पहुंचेंगे आप तक, राइट? तो ट्रांसपोर्ट एक रीजन होता होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड की सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, ठीक है. और आपने कहा ना कि मार्केट में होना चाहिए, रेंट भी तो एक फैक्टर है. पॉश एरिया में ले लेंगे, रेंट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा अगर दही पी का सामान, तो राइट. तो आप अपनी फाइनेंशियल हालत को भी देखें. अर्बन रूरल की बात बाद में करेंगे हम. रेंट भी एक तो फैक्टर है ना स्टोर लोकेशन को फाइनलाइज करने से पहले कि वहां पे कैसा एरिया है, कितना रेंट लगेगा. समझ में आ गया? इस चीज को भी वो ध्यान में रखते तो होंगे स्टोर को फाइनलाइज, यानी या तो फिर हर कोई समझता है कि चलो हम बोरिंग रोड में ही अपना दुकान ले लेते, लेकिन सब कोई ले पाता है? नहीं ले पाता है. इसके अपने अच्छा ठीक है, नहीं लेता इसका मतलब उसका बिजनेस नहीं चलता, ऐसा नहीं है. उसके बिजनेस
किसी दूसरे फैक्टर पे फोकस कर रहा है, इसलिए वो भी चलता है। बताएंगे कैसे, स्टोर लेआउट कैसा होना चाहिए, यानी लेआउट मतलब किस तरीके से आपका सामान का डिस्प्ले होगा, विजुअलाइजेशन होगा, किस तरह से मर्केंडाइजिंग करेंगे आप, कैसे आप शोकेस करेंगे ताकि कस्टमर्स को डिफिकल्टी ना हो खरीदने में। डेमोग्राफिक फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे कि उस जगह जो कंजम्पशन पैटर्न है, आएंगे हम इस पर, फैमिली स्ट्रक्चर है, इनकम ग्रुप है, वो किस तरीके का है उस एरिया में, उसके बेस पे। अब जो तुम रूरल अर्बन कर रहे हो ना, ये बेस्ड है डेमोग्राफिक एरिया पर कि किस तरह का कंजम्पशन हैबिट है वहां के लोगों पर, ठीक है। एड एंड सर्विसेज, अच्छा रॉ मटेरियल से बहुत दूर नहीं होना चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट को जहाँ पे जहाँ से फिनिश प्रोडक्ट का जो प्लेस है वो भी बहुत दूर नहीं होना चाहिए, वो एक्सेस होना चाहिए कस्टमर का वहां पे, जो कोई किसी तरह का ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, जैसे लूट पाट नहीं होना चाहिए, जो हम लोगों ने कहा ना कि कस्टमर का आसानी से एक्सेस हो सके, यानी कोई ऐसे जगह पे आप ले लेते हो जहाँ का जो आउटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो अच्छा नहीं है, लोग लेट सबेर जाना उधर पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उधर बहुत खतरा है, बहुत सारे अनसोशल एलिमेंट्स रहते हैं, तो हम क्या करेंगे उधर अवॉइड करेंगे, तो उस साइड में आपका बिजनेस नहीं होना चाहिए क्योंकि अच्छे कस्टमर्स आपके आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो व्हिच अफेक्ट्स सिलेक्शन ऑफ स्टोर लोकेशन, जिसको ध्यान में रख करके स्टोर लोकेशन को फाइनलाइज किया जाता है, राइट right? समझ में आया? यस ठीक है। इस पर थोड़ा सा मैं हर टाइप का थोड़ा सा डील करूंगी बाद में, लेकिन अब आपको थोड़ा पता चल गया ना कि क्या क्या बेसिस है। फिनेंशियल बेसिस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अवेबिलिटी होगा, और आपका सामान का एक्सेस होगा कस्टमर तक, एम्बियंस होगा, वैरायटी होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है, स्टोर लेआउट होगा, सबके बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, ठीक है। मैं अभी अटेंडेंस ले लेती हूँ। देखो सबका ऑफ है एक तरफ से, वीडियो सारे बच्चों का ऑफ है, एक रोल नंबर 50 और एक रोल नंबर 83, दोनों 444 से, मैं सिर्फ उन्हीं का अटेंडेंस बनाऊंगी, रेस्ट यू कैन लीव, मैं अटेंडेंस अभी बना लेती हूँ 83 एंड 50, ठीक है। ओके आप लोग लीव कर सकते हैं, मैं आपका अटेंडेंस बनाऊंगी ही नहीं, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना क्लास ध्यान से करने वालों में और क्लास बिल्कुल नहीं करने वालों में, ठीक है। मैंने कितनी बार बोला था शुरू करने से पहले कि आप लोग ऑन कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। मैम हम हॉस्पिटल में हैं। कोई बात नहीं सुशील, एक तुम ही नहीं हो ना यहाँ पे, बहुत लोग हैं, राइट।